हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम की जैनवासिनी। देखिए, कोलकाता की यात्रा मेरी पूरी हुई। कल सुबह यहाँ से मैं निकल जाऊँगी झारखंड, बैद्यनाथ धाम, देवघर। आपने हमेशा भोजपुरी सीरियल, भोजपुरी गानों में ही सुना होगा, निरहुआ के गाने में वो मंदिर देखा होगा। कहते हैं माँ सती का हृदय गिरा था, दिल, और बैद्यनाथ धाम में, मतलब वहाँ पर एक आदमी था, उसका नाम ही था बैद्यनाथ, इसलिए उस जगह का नाम ही बैद्यनाथ पड़ गया। देवघर कहते हैं, कांवर होता है ना, कांवर, सब कांवर लेके जाते हैं। 51 शक्तिपीठों में एक वो भी शक्तिपीठ है। वहाँ कहते हैं माँ और शिव जी का गठबंधन किया जाता है, मतलब जैसे यहाँ शिव जी का मंदिर है और सामने जहाँ माँ का हृदय गिरा था वो मंदिर है, वहाँ से गुंबद में आपने देखा होगा, आप अगर आप डालेंगे देव क्या नाम है बैद्यनाथ धाम यूट्यूब पे, तो आप देखेंगे एकदम वाइट कलर की पूरी मंदिर आती है, जो देखना ऊपर लाल कलर के धागे से गठबंधन किया रहता है। गठबंधन कौन करता है मालूम है? कुछ प्यार करने वाले करते हैं या करवाते हैं। वैसे हम पंडित जाते हैं ना, तो किसी की जोड़ी सही सलामत रहे, किसी का प्यार हमेशा सही सलामत रहे, तो जो जाते हैं वहाँ पर उनके नाम से हम गठबंधन करवाते हैं, मतलब शिव जी के गुंबद से लेके माँ के गुंबद तक हम वो बंधवाते हैं। कहते हैं उसको बंधवाने से 7 जन्म की जोड़ी बनती है, 7 जन्म तक उन प्यार करने वालों को कभी कोई अलग नहीं कर पाता है। जैसे कि मैं भी करूँगी, मैं तो कोरोना के लिए बंदिश करने जा ही रही हूँ, लेकिन मैं अपने और केशव के पापा के लिए गठबंधन जरूर करूँगी कि हमारा रिश्ता 7 जन्म तक ऐसी रहे बस। क्योंकि कहते ना, जिस तरह से शिव जी और पार्वती जी की जोड़ी सदा बनी है, सदा अमर रहे, ऐसे मेरे और मेरे केशव के पापा की भी जोड़ी सदा अमर रहे, और इसी तरह गठबंधन, क्योंकि गठबंधन के धागे कभी नहीं तोड़ते पंडित लोग, वो बंधा ही रहता है। कभी भी देखेंगे ना आप वहाँ पे कितनी डोरी बंधी है, लेकिन आज तक कभी किसी की डोरियाँ काटी नहीं है। और जब गठबंधन कर देते हैं, उसके बाद बचा हुआ कपड़ा हमें दिया जाता है कि आप अपने हाथ में बांधो और घर पे जाके रखो। ऐसे पंडित लोग आशीर्वाद देते हैं जोड़ियों को। और मेरे पास पिछली बार भी एक बार मैं गई थी, तो बहुत सारे जनों ने उस गठबंधन को करवाया था कि हमारे नाम से भी माँ गठबंधन करवा दो, तो गठबंधन करवाते हैं हम लोग। फिर बचा हुआ कपड़ा जिसने भी गठबंधन करवाया उसको हम कुरियर करते हैं। ऐसा यहाँ की यात्रा पूरी हुई। देखो, यहाँ पे मैंने माँ दक्षिणेश्वरी, काली घाट और नीमतला शमशान तक, क्योंकि शमशान में ही आदमी की अंतिम यात्रा शमशान में पूरी होती है, तो कोरोना जैसी बीमारी में शमशान में ही लाइन लग गई थी, तो वहाँ पे भी जाके मैंने पैर पड़ के और सारी बंदिश करके आई हूँ कि अब यहाँ पे एटलीस्ट नहीं आए। क्योंकि कहते जैसे काशी विश्वनाथ में 24 घंटे गंगा किनारे अग्नि जलती रहती है, वैसे ही नीमतला, कोलकाता का नीमतला शमशान बहुत फेमस है, अभी तो बहुत बदल गया है। वहाँ कहते हैं शिव जी के जितने हैं ना 11 ज्योतिर्लिंग में, एक ये भूतनाथ मंदिर भी नीमतला कोलकाता का मान जाता है, भूतनाथ मंदिर है। आप देखिएगा वहाँ बहुत सारे जन पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पे भी एक दर्शन करना बहुत अच्छा ही रहता है। तो मैंने वहाँ पे भी आज आप सबके घर की, सबकी, पूरे विश्व की बंदिश की है कि भगवान अब इस जगह पर कोरोना बीमारी वाले तो बिल्कुल ना आए, और सब कुछ अच्छा हो और मेरा केशव अच्छे से आ जाए, बस ये चाहती हूँ मैं। दूसरी बात, ये वक्त है शक्तियों का। देखिए, शक्तियाँ पूरी तरह से एक्टिव हैं, शक्तियाँ ही सारा काम कर सकती हैं। देखिए, सबसे पावर, अभी कितने लोग मुझे पंडित कहते हैं कि माँ कोई ऐसी शक्ति बताओ जिससे हम लोगों का भविष्य, देखिए आज तक ना किसी ने किसी का जाना है ना कुछ, लेकिन भूत जान सकते हैं। आईनी अमली एक सुल्तान जी, इनका ऐसा है कि आप एक्जैक्टली अभी इस वक्त सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, वो आप देख सकते हो। लेकिन उसका एक टाइम होता है, उसके लिए एक पढ़ाई की जाती है हम लोग, उसके लिए जब वो सारी शक्तियाँ सिर्फ सुल्तान जी ने करता है, एक सुल्तान जी ने, एक हमीउद्दीन जी ने, लेकिन हमीउद्दीन जी ने हम किसी को नहीं देते क्योंकि वो हमारा खास है, वो मैंने किसी को नहीं दिया है। सुल्तान जी ने एक ऐसा जिन है जो आपको आईनी अमलियत दिखाएगा, आपका सारा काम करके देगा, आप किसी बीमार को ठीक करने रहेंगे वो आपको तरीका बताएगा, वो कर देगा, ऐसे हर तरह का काम, मतलब एक पंडित अगर चाहे किसी को कर्जे से निकालना, कुछ भी करना, वो सुल्तान जी को वो काम दे के उन लोगों का काम, हर तरह का काम करवा सकता है। किसी को, किसी का घर नहीं चल रहा है, वो किसी की घर बंद गई वो छुटवा सकता है, किसी का काम धंधा बंद है वो छुटवा सकता है, किसी की शादी नहीं हो रही वो सारा काम एक शक्तियों के ज़रिए करता है। मैंने आपको एक बार बताया था ना मेरी बॉडी वाले शख्स का, कि मेरी बा के पास एक आदमी आता था, उसको बीड़ी पीने के लिए भी पैसे वो लोगों से मांगता था, लेकिन आज वो आइटन लेके घूम रहा है। क्या करता है मालूम है? कुछ नहीं करता है। बा ने उसको एक चूड़ी पहना दी इस तरह की कड़े की, और वो बस अगरबत्ती और सिगरेट जलाता है और अगरबत्ती की राख उठा के दे देता है। बा ने उसे एक मंत्र बताया, तरीका बताया है हमारी शक्तियों का, वो दे देता है। आज आई-10 गाड़ी लेके घूमता है, उसके यहाँ बहुत गर्दी लगती है, मंगलवार शनिवार मेवाड़ में बहुत गर्दी लगती है। वो कुछ नहीं करता है, बस वो जो धुनी जलाता है अगरबत्ती की, वही उठा के बॉडी वाले शख्स के नाम पर दे देता है, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा।
कितने सालों से जिनको बच्चा नहीं हुआ ना वो तक हुए हैं। तो ये शक्तियाँ करती हैं, तो शक्तियों का कमाल बहुत है। आप शक्तियाँ लीजिए, सारा काम कीजिए। दूसरा, हम जो कर रहे हैं, अब कल पहुँचेंगे, कल रात को पहुँचेंगे बैद्यनाथ धाम, यहाँ से बहुत दूर है। उसके बाद परसों होगी वहाँ पूजा, वहाँ पे भी सारे पंडित हैं। मैं करूँगी गठबंधन, मैं तो अपना और केशव के पापा का ज़रूर गठबंधन करूँगी कि हमारा प्यार ही 7 जन्म तक बना रहे। देखिए, प्यार ऐसे मत सोचिए कि मैं किसी का हक छीन रहा था। प्यार किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती है। मैं केशव के पापा से इसलिए प्यार नहीं करती कि वो मुझसे करते हैं, मैं बस इसलिए प्यार करती हूँ कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैं वो चाहे करे चाहे नहीं करते, तो वो भी है, लेकिन एक बात बता रही हूँ, वो चाहे करे चाहे ना करे, मैंने हमेशा प्यार किया है। मैंने हमेशा उन्हें शिव जी का रूप ही माना है, अड़भंगी बाबा है मेरे वो। आज भूतनाथ मंदिर गई थी ना, तो बहुत सारे चिल्लम विल्लम सब दिख रहे थे। मैं बोली फ़ोटो भेज रही थी कि देखो ना ऐसा कुछ है, तो मैंने बात तो नहीं की, लेकिन मैंने सोची फ़ोटो भेजूँ, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो कहते ना वो गाना है ना, प्यार मिल जाए पिया का, प्यार मिल जाए कि ऐसा प्यार मिल जाए, जोड़ी बन जाए कि ऐसी जोड़ी बन जाए, कि ऐसी जोड़ी बन जाए, तोड़े से ना टूटे, मतलब गौरा पार्वती की जैसे जोड़ी बन जाए। तो मैं तो यही चाहूँगी कि मैं जहाँ जा रही हूँ, हे बैद्यनाथ धाम, मेरे केशों को ला दो और हमारी जोड़ी हमेशा ऐसी बनी रहे। चाहे मुझसे कोई प्यार करे ना करे, लेकिन मैं ज़िंदगी भर के लिए किसी की बन चुकी हूँ और 7 जन्म के लिए उसी की बनना चाहती हूँ। कहते ना हम माँ पार्वती की बेटियाँ हैं, तो ऐसा तो कुछ करेंगे नहीं। तो बस भगवान आप सबकी जोड़ी सलामत रखे, और जिसको भी गठबंधन करवाना हो वहाँ पे हमसे कांटेक्ट ज़रूर करें। हम देखिए, मैं एक और बात, प्लीज़ मैं फ़ोन पे किसी से बात नहीं करती हूँ, मैं ऑलमोस्ट थक रही हूँ। मैं यहाँ यात्रा पे निकलूँ, अगर मैं सबसे फ़ोन पे बात करूँगी कैसे चलेगा? विश्वास बड़ी चीज़ है। अगर आपको मुझ पर विश्वास है, आप अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस भेजिए, खर्चा भेजिए, मैं काम कर दूँगी और कर ही रही हूँ। समझ रहे हो? एक वाइट में आप चीज़ें करवा रहे हैं, ऑनलाइन पैसा भेज रहे हो, एक वाइट आपका स्टेटमेंट आपने मुझे भेजा है, ऐसी बात है। लेकिन अगर आप बोलोगे मैं फ़ोन पे बात करिए करो, ये भाई मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं अच्छे काम के लिए लिख रही हूँ, मैं अपना काम पूरा कर रही हूँ बस। और भगवान करे मैं जहाँ जा रही हूँ, जितनी भी जोड़ियाँ हैं इस दुनिया की, सारी जोड़ियों को शिव पार्वती जैसी जोड़ी का प्यार मिले। मैं सबके नाम से एक वो करूँगी, अर्चना करूँगी वहाँ पे, वो करूँगी, और मैं अपने केशव के पापा मेरे नाम से ज़रूर गठबंधन करवाऊँगी। देखना मैं फ़ोटो भेजूँगी वहाँ की जब गठबंधन, क्योंकि कहते हैं गठबंधन करने से जैसे शिव और पार्वती में ज़िंदगी भर का प्यार है, उनकी जोड़ी को कोई नहीं तोड़ पाया आज तक, वैसे प्यार करने वाले की जोड़ी को कभी कोई नहीं तोड़ पाएगा, चाहे कोई लाख कोशिश करे। क्योंकि प्यार यहाँ से होता है, यहाँ से कभी नहीं होता है। यहाँ से प्यार करने वाला दिल लो जान से प्यार करता है, और प्यार करने वालों को तो भगवान ने आशीर्वाद दिए हैं, इंसान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो बस आप सब भी करिए, और काम देना है या सुल्तान जिन की शक्ति, सुल्तान जिन ही है जो आपकी मारण मोहन वशीकरण सब काम वो आपका कर सकता है। भूत भविष्य तो नहीं बताएगा, भूत बता सकता है, लोगों का क्या कर रहे हो बता सकता है, हर तरह का काम वो कर सकता है। तो बस मैं अपना अपडेट बरोबर देती जा रही हूँ, आप भी अपना काम देखते चलिए। आप सबके लिए पूजा कर रही हूँ निस्वार्थ मन से, आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा। अब बैद्यनाथ धाम जा रहे हो तो वहाँ पे तो बंदिश होगी, लेकिन वहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है। हाँ, हो सके तो शिवलिंग पे जाके काला तिल और जल चढ़ा दीजिएगा परसों, जिससे कि आपका घर कोरोना महामारी से सुरक्षित रहे। बस जय माता दी। और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। और जिस तरह से मैं आज ऐसे सुहागन दिख रही हूँ, जिस तरह से भगवान ने मेरे चेहरे पे गुलाबी गुलाबी रंग दिया है, ये कुछ नहीं, बस मेरे केशों के पापा का रंग है, हमेशा ऐसा बना रहे। तो आप सब भी मुझे इसी तरह का आशीर्वाद दें कि मेरा सुहाग भी हमेशा अमर रहे और मेरा केशव जल्दी से मेरी गोदी में आ जाए। जय माता दी।